आज मैं बनाने जा रही हूँ हरीरा। ये यूपी और कानपुर की फेमस डिश है। कानपुर में तो बहुत ही ज्यादा बनाई जाती है। हर सर्दियों में गुनगुनाती, जब ठंड होने लगती थी तभी से मम्मी इसको बनाती थी। और एक बार बना लेते हैं तो इस कई दिन चल जाता है ये, और सर्दी खांसी जुकाम से ये आपको कोसों दूर रखता है। तो यहाँ पर मैंने ली है अजवाइन। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ इसमें क्या क्या लगेगा। यहाँ पर मेवा देखिए जो भी आपके पास है या आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ गरी का गोला लिया है, कट करके लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर किशमिश ली हुई है, थोड़े से मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, थोड़े बादाम कट करके लिए हैं, थोड़े काजू लिए हैं, और ये मैंने मखाने ले लिए हैं, और यहाँ पर अजवाइन है। तो यहाँ पर देखिए यह है गोंद, जो हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसे खाने से जोड़ों का दर्द वगैरह में आराम मिलता है। तो ये गोंद ले लिया है मैंने। और आधी किलो यहाँ पर मैं गुड़ का यूज करूंगी, ये देखिए। तो ये इसको भी रख लेते हैं यहीं पर हम। और ये मैंने सोंठ का पाउडर लिया है, देखिए। ये अदरक को सुखा कर पीस कर बनाया हुआ पाउडर है। आप चाहें तो साबुत सोंठ भी ले सकते हैं, और अगर आपको सोंठ नहीं मिल रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अदरक भी इसमें कद्दूकस करके डाल सकते हैं। उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अदरक को पेस्ट बनाकर वो भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या अदरक मीन्स जिंजर। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच लिया है। आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये रहा। और अजवाइन भी मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिया हुआ है। तो अजवाइन को हम सबसे पहले भिगोने रख देंगे। और देखिए थोड़ा बहुत धूल मिट्टी होती है अजवाइन में, तो पहले इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से। अजवाइन हमारी धुल गई है। अब इसी में हम इतना सौंठ डाल देंगे सारी है, और थोड़ा सा पानी डाल के भीगने देंगे थोड़ी देर। थोड़ा सा इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल देंगे जिससे ये सौंठ भीग जाए थोड़ी, और अजवाइन हमारी भीग जाए। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो ये रख देती हूँ मैं, थोड़ी देर भीग जाएगा उसके बाद मैं इसको पीस लूंगी। कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गैस पे, कि हमारी रख दी है हमने गैस पे। और ये आज मैंने घर पर घी बनाया था, वो है बिल्कुल प्योर। तो यहाँ पर 1 बड़े चम्मच हम घी डाल देंगे। डाल देती हूँ मैं सारा। चलाते रहेंगे। ये जले नहीं। घी अभी इसमें है काफी सारा, तो इसी में हम अपने मखानों को भी फ्राई कर लेते हैं। मखानों को ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा गरम सा कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा देखिए घी और डाल लेंगे, 1/2 चम्मच के करीब डाल लेंगे। इसमें अब हम सारी जो हमारी मेवा है उसको भून लेंगे। जो मेवा आपको पसंद ना हो या फिर घर पे ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए इनको भून लेते हैं। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे।
सारी मेवा इसमें निकाल देंगे। तो इतनी देर में देखिए अजवाइन हमारी अच्छे से भीग गई है, सारा पानी भी अजवाइन ने सोख लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी हम इसमें 4 चम्मच डालेंगे, देखिए छोटा चम्मच है ये, तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच हल्दी लूंगी। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है और जोड़ों में दर्द में खांसी में समय बहुत ही फायदेमंद होती है। तो थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे इसे। तो देखिए ये हमने पीस लिया है अच्छे से। तो हम गैस को ऑन कर देते हैं। सरसों का तेल, सरसों के तेल से जो है बहुत ही अच्छा बनता है, फायदे भी करता है ये। एक चम्मच सरसों का तेल ये बड़ा वाला गया और ये थोड़ा सा तेल और गया। तो देखिए तेल काफ़ी अच्छे से अब हमारा गरम हो चुका है। सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लेने के बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था सौंठ का, अजवाइन और हल्दी का, उसको डाल देंगे। सारे पेस्ट को मैं इसमें अच्छे से डाल दूंगी, सारा पेस्ट यूज़ कर लेना है। और तेल को ध्यान देना है कि अच्छे से गरम हो जाए, क्योंकि कच्चा रह जाएगा तो फिर स्वाद नहीं आएगा, वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा मसाला जो है उसको तेल में डाल दिया और ये भुनना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हमें भूनना काफ़ी अच्छे से है और थोड़ा सा टाइम भी लगेगी और चलाते हुए भूनना है, जिससे कि ये जले नहीं। और जो भी देखिए जार में थोड़ा बहुत मसाला रह गया था, नीचे नीचे से रह जाता है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी निकाल लिया इस तरीके से, देखिए। और ये जब आप समझ लीजिए, जब भूनने के क्या होता है कि आपसे ज़्यादा मोहल्ले वालों को इसकी खुशबू पता चलने लगती है। जब ये बनता है तो पूरा महल मोहल्ला महक उठता है एक तरीके से, सारे सबको पता चल जाता है कि हाँ कहीं कुछ आज स्पेशल बन रहा है। और बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। और मसाले भूनने से पहले तो जो तेल है हमारा, सारा जो मसाला है वो तेल सारा पी लेगा, लेकिन जब ये अच्छे से भून जाएगा तो तेल छोड़ना चालू कर देगा। और जब ये मसाला तेल छोड़ता है तब हम समझ जाते हैं कि हाँ हमारा मसाला भुन चुका है। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, साथ में पूरा मोहल्ला भी महक उठ रहा है। तो जब आप बनाएंगे तो आप खुद ही जानेंगे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट और हेल्थ में तो बहुत ही बेस्ट है ये। हमारे यहाँ तो पता क्या होता है, जब बच्चे होते हैं जिन लेडीज़ों के, तो डिलीवरी के बाद उनको ये ज़रूर देते हैं, कहते हैं उस टाइम पर ये खाने से शरीर में जो भी कमजोरियां आती हैं वो सब दूर हो जाती हैं और आगे के लिए भी शरीर स्ट्रांग हो जाता है, हड्डियों में दर्द वगैरह कुछ भी नहीं रहता और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अधिकतर सभी के यहाँ ये डिलीवरी के बाद दिया ही जाता है। आप लोगों के यहाँ इसका क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो हरीरा बोलते हैं, आपके यहाँ इसका क्या नाम है मुझे ज़रूर बताइएगा। सबके इधर अलग अलग हर जगह पर नाम भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ही इसमें डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी फिर ना हो, क्योंकि ज़्यादा पतला पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कितना पानी इसमें लग जाएगा। तो ये कि मेरा एक गिलास है पतला सा छोटा सा, तो इसमें लमसम 150-200 ग्राम पानी आता होगा। तो ये पूरा एक गिलास पानी इसमें पड़ गया था। तो ये देखिए इस तरीके से पानी मैंने डाल दिया। अब पानी के साथ भी इसको थोड़ा सा पका लेना है मसाले को, जिससे कि ये और भी अच्छे से पक जाए। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर्दियों में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिनके घरों में डिलीवरी हो, बच्चे हो, वही उन्हीं घरों में ये बने, सब क्या बन सकता है। क्योंकि अगर अच्छा लगता है खाने में तो ज़रूर बनाइए। और यहाँ पर मैं गुड़ डाल दे रही हूँ और गुड़ को देखिए छोटे छोटे, ज़्यादा बहुत छोटे छोटे पीस मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि तोड़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था मुझे, तो मैंने इसको ज़्यादा बहुत बड़े नहीं थे तो इस ऐसे ही मैंने रख दिए। और एक पीस मैंने इसमें से बचा लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मीठा मैं खाती नहीं हूँ, मुझे कम मीठा ही पसंद है। तो इतना ही गुड़ मैं डालूँगी, जो ये एक हिस्सा है गुड़ का ये मैंने बचा लिया है। लमसम 400 ग्राम के करीब मैंने गुड़ इसमें डाल दिया होगा। तो अब गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर देते हैं और चलाते हुए मेल्ट करेंगे। कहीं कभी कभी क्या होता है कि हम गैस को चलाते नहीं तो नीचे मसाले और गुड़ चपक सा जाता है कढ़ाई में, तो चलाते हुए हमें इसे पका लेना है गुड़ को। सारा गुड़
गुड़ जो है घुल जाएगा अच्छे से, तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैं कह रही थी कि अगर आप लोगों को पसंद आए तो रेसिपी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर मेरे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और नए साल की तैयारियां मेरी तो बहुत अच्छे से चल रही हैं, आप लोगों की कैसी चल रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नए साल में अपने घरों में क्या क्या बना रहे हैं। और आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यह है 31 दिसंबर, यानी कि कल है नया साल। तो एडवांस में सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर कल मेरा कोई वीडियो नहीं आता है तो आप लोगों को यही वीडियो मिलेगा न्यू ईयर पे। तो ये देखिए यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो रहा है और अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए खदक रहा है सारा सारा गुड़, अच्छे से पूरा मेल्ट हो चुका है यहाँ पर। और जितना अच्छे से हम इसे पका लेते हैं, कोई भी चीज़ हो जब हम ज़्यादा अच्छे से पकाते हैं मंदी मंदी आँच करके, तो उसका टेस्ट बढ़ ही जाता है। तो गुड़ को भी यहाँ पे हमें अच्छे से पका लेना है। 8 से 10 दिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखिए गोंद डाल दे रही हूँ। गोंद हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो वो लोग गोंद ज़रूर खाएं। इस तरह से भी खा सकते हैं या फिर इसके लड्डू भी बना कर खा सकते हैं। जब मैं कभी लड्डू बनाऊँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। वैसे मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी बीच में बनाए थे तो मैंने वीडियो लेकिन नहीं बनाया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर जब गोंद थोड़ा सा नरम सा हो गया था, मतलब बैठ गया था, उसके बाद फिर मैंने सारी मेवा भी डाल दी है, क्योंकि गोंद फूला बहुत रहता है। तो उस समय कढ़ाई काफ़ी भर रही थी, तो जब थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गया उसके बाद फिर मैंने मेवा डाल दी है। और मेवा भी जब थोड़ा सा वो हो जाएगी उसके बाद मैं जो मखाने हैं वो डाल दूँगी सबसे लास्ट में। तो ये देखिए अब मैं मखाने डाल दे रही हूँ, ये देखिए। और सच में फ्रेंड्स मुझे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, मुझे मेरी फेवरेट है और सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। बनाकर रख लीजिए, आप लोग खाइए, घर में सबको खिलाइए, तो सर्दी जुखाम जैसी बीमारियां तो आपको छुएंगी भी नहीं, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि हर चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेल्थ के अकॉर्डिंग हर चीज़ बहुत ही बेस्ट है इसमें। तो देखिए इसमें चीनी भी नहीं है, गुड़ है, गुड़ फ़ायदा ही करता है। और सारी गर्म मेवाएँ हैं और सौंठ, हल्दी, अजवाइन, ये सब सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देखिए। और इसको मैं अच्छे से पकाती रहूँगी थोड़ी देर मंदी मंदी आँच में ये पकेगा, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके अपने ठाकुर जी को प्रसाद करूँगी, और उसके बाद मैं खुद भी खाऊँगी और घर में भी खिलाऊँगी। देखते हैं सब कैसा लगता है। और वैसे तो ये हमेशा अच्छा ही बनता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ठाकुर जी का प्रसाद लगेगा और उसके बाद फिर हम सब खाएंगे। और आप लोग भी बनाइए, खाइए, और कैसा बना वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ किसी